हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर टॉपिक अबाउट डिस्कस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है और कमर्शियल एंटीबायोटिक क्या क्या है हमारे पास। पेनिसिलिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोफिनिकोल है, रेसिन है, साइलोहेक्सामाइड, ये हमारे सभी एंटीबायोटिक है। सो हम इनमें पढ़ते हैं कि पेनिसिलिन जो हम कैसे बनता है, कमर्शियल प्रोडक्शन पढ़ते हैं पेनिसिलिन का। फर्स्टली कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आर एंटी माइक्रोबायल एजेंट, ये रोगाणु होती मतलब एंटीबायोटिक माइक्रोबायल एजेंट होते हैं। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं बैक्टीरिया से एंड फंगस से, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्स्टली डिस्कवर एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन इन 1928 फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम, ये 1928 में हुआ था और जो स्पीसीज थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे इसको हमने डिस्कवर किया था। बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसके थ्रू हुआ था ये, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके थ्रू हुआ था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन सेकेंड वर्ल्ड वार एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस कमर्शियली, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर इसको एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर दिया गया था कमर्शियली, बिक्री के लिए मतलब सेल करने के लिए। इन 2009 एंटीबायोटिक इज बैन इन चाइना, 2009 में एंटीबायोटिक बैन कर दिया गया था चाइना के अंदर, क्योंकि इन ए रेयर डिजीज एंटीबायोटिक आर यूज, इससे कभी कभी डिजीज भी होती थी, बीमारियाँ होती थी इस केस से मतलब एंटीबायोटिक से। इन ए रेयर डिजीज एंटीबायोटिक आर यूज, इसके यूज करने से कभी कभी डिजीज होती थी। दे आर फोर स्ट्रेन आर डिस्कवर्ड इन पेनिसिलियम नोटेटम, इसकी चार स्ट्रेन थी जो डिस्कवर की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम की। देखते हैं स्ट्रेन के, स्ट्रेन एल, स्ट्रेन एम, स्ट्रेन पी। नाउ ए डे पेनिसिलियम इज ए कम्प्लीटली बैन, लेकिन अब इन दोनों पेनिसिलियम इज कम्प्लीटली बैन है, कम्प्लीटली बैन इन इंडिया, इंडिया में कम्प्लीटली बैन है, बिकॉज डॉक्टर इंजेक्ट टू एवरी पेशेंट ईथर दे आर चाइल्ड और यंग वन। लेकिन अब इन दिनों इंडिया में पेनिसिलियम बिल्कुल बैन है, क्योंकि डॉक्टर इसको इंजेक्ट लगाते थे सभी को, चाहे वो पेशेंट बच्चा हो या फिर यंग हो, सभी को लगाते थे। पेनिसिलियम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेरी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूजली कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो पेनिसिलियम यूज हुआ था ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं उसमें, और यूजली कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसमें। देर आर फोर स्टेप इंक्लूड टू प्रोड्यूस पेनिसिलियम विच आर एज फॉलो, इंक्लूड करने के लिए चार स्टेप इंक्लूड रहते हैं पेनिसिलियम को प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेनिसिलिन को फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। टू प्रोड्यूस एल अमाइनो एसिड, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज एस्पर्जिलस ओरिजाई, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है वो एस्पर्जिलस ओरिजाई है। ए एंजाइम इज यूज साइक्लेज और प्रोड्यूस इन 1960 डटचर, एक एंजाइम है, ये एंजाइम इज यूज, ये यूज होता है हुआ है प्रोड्यूस साइक्लेज और प्रोड्यूस हुआ था 1916 में डटचर के थ्रू। डिस्कवर ए मार्कर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मार्कर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड एक्सप्लेन दैट एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये एक्सप्लेन करता है एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव ए यूनिक मार्कर विच इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबायल एजेंट, इसलिए इसको हम एंटी माइक्रोबायल एजेंट कहते हैं। द एंटी माइक्रोबायल एजेंट कॉल्ड एज एंटीबायोटिक, और जो एंटी माइक्रोबायल एजेंट होता है जो रोग प्रतिरोधी होता है रोगाणु से, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स फ्लेमिंग डिस्कवर, और 12 साल के बाद इसको फिर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। सेकेंड स्टेप देखते हैं प्यूरिफिकेशन, देर आर सो मैनी स्ट्रेन
देर आर सो मैनी स्ट्रेन ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम दैट्स वाई पेनिसिलियम प्रोड्यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट। पेनिसिलियम क्या हुआ, प्रोड्यूज हुआ, यूज किया था पेनिसिलियम नोटेटम, बहुत ही कम अमाउंट में मिला था, जो ज़्यादा कॉस्ट बहुत ही कम अमाउंट में यूज हुआ था। टोटल फोर स्ट्रेन आर यूज एंड द सबस्ट्रेट विच आर यूज इन वेरी कॉस्टली एंड प्रोड्यूज लो अमाउंट ऑफ पेनिसिलियम। स्ट्रेन से जो हमने यूज किया था वो पेनिसिलियम नोटेटम, वो कम अमाउंट में यूज हुआ था, कम अमाउंट में मिला था, क्योंकि यह ज़्यादा कॉस्टली था। टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन इन लार्ज अमाउंट ए टेक्निक इज डिस्कवर कॉल्ड एज स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ पेनिसिलियम वो लार्ज अमाउंट में टेक्निक से इज डिस्कवर कॉल्ड एज स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, उसको कहते हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। बात करते हैं थर्ड स्टेप का, एक्सपेंशन एंड सेलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्सपेंशन एंड सेलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम इज एक्ट एज ए इनोकुलम, इनोकुलम की तरह एक्ट करता है। इनोकुलम रिक्वायर होती है, इनोकुलम को स्पेसिफिक पीएच की 5.5 और टेम्परेचर होता है 28 डिग्री सी, एंड प्रॉपर प्रॉपर जो यहाँ पर O2 है, O2 डिमांड और रिक्वायरमेंट इज फुलफिल बाय BOD। हमारा जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, इसको डिमांड रहती है O2 की, उसकी जो रिक्वायर है वो फुलफिल हुई है। यहाँ पे देखते हैं पेनिसिलियम सस्पेंड वाटर, इसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ इसको ऐड किया फॉर 1 वीक, एक वन वीक के लिए, और बायोरिएक्टर यूज करके आफ्टर 3 to 4 वीक, बायोरिएक्टर यूज किया आफ्टर 3 to 4 वीक। बात करते हैं फोर स्टेप ड्राइंग की। ये हमारा फोर स्टेप है ड्राइंग करना। ड्राइंग क्या था, ट्रीटमेंट प्रोडक्शन प्रोडक्ट वी गोट गेट एडेड विद ब्यूटाइल एसिटेट टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रिस्टल। हमने ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को लिया, उसमें ऐड किया विद ब्यूटाइल एसिटेट टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रिस्टल, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्रिस्टल को, फ्रॉम क्रिस्टल। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, पोटेशियम इज ऐड टू मेंटेन द पीएच, पोटेशियम हमने इसके अंदर जो ऐड किया गया वो उसके लिए क्या, वो मेंटेन करने के लिए पीएच को पोटेशियम को ऐड किया। फर्स्टली फॉर वॉशिंग द प्रिवेंट फ्रॉम क्रिस्टल्स एंड मेंटेन द एक्टिविटी एंड बेस सब फर्स्टली सॉरी फाइनली फाइनली फॉर वॉशिंग, फाइनली हमने इसको वॉश किया टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रिस्टल एंड मेंटेन द एसिडिटी, रोकने के लिए क्रिस्टल और मेंटेन करने के लिए जो एसिडिटी है और बेसिसिटी है NaOH की, एंड H2SO4 इज एड। ठीक है ना, हमने इसको फाइनली इसको वॉश किया रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए एसिडिटी को एंड बेसिसिटी को, NaOH एंड H2SO4 इज एड, उसके उसमें NaOH और H2SO4 हमने ऐड किया। इनोकुलम, इनोकुलम इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पोर्स ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, ये ग्रुप ऑफ स्पोर है पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम वाटर क्रिस्टल प्लस वेट बॉन्ड प्लस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसको स्टोर किया 7 डेज के लिए, प्रिपेयर किया फॉर कल्टीवेशन करने के लिए। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम प्रोड्यूस हुआ हमारे पास 99.5% पेनिसिलियम यूज हुआ, प्रोड्यूस हुआ जो हमारे पास जो बना है वो पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस हुआ 70% पेनिसिलियम। ये हमारा प्रोसेस था इनोकुलम का। अब देखते हैं मीडिया, अगर हम मीडिया प्रोड्यूस मीडिया तैयार कर रहे हैं, द मीडिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम इज ब्रोथ लिक्विड। ब्रोथ लिक्विड के लिए हम जो मीडिया पेनिसिलियम का जो मीडिया यूज करते हैं, ब्रोथ कॉम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलियम प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन है इसमें क्या चाहिए, फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, कॉर्न स्टीव लिवर 3.5%, लैक्टोज 3.5% और ग्लूकोज 1% होता है। सेकंड इथेनॉल 80% चाहिए। पीएच हमारा 5.5 से 6 पॉइंट तक चाहिए, और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन पोटेशियम 0.25% चाहिए। 6, 7 हमारा सॉरी 5 हमारा NaOH जो हम इसमें ऐड करते हैं, और लास्ट हमारा H2SO4 NaOH को हम इसमें ऐड करते हैं। सो गाइस ये हमारा टॉपिक था,
पेनिसिलियम का,